हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं इसी तरह के सिलाई के रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। आज का वीडियो है हमारा, जैसे अस्तर वाला हमारा सूट होता है तो उसकी हम कैसे सिलाई करें। तो पिछले वीडियो में मैंने जैसे अस्तर वाले सूट की कटिंग करना बताई थी, तो आज के वीडियो में हम अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ आएगा। तो ये वीडियो हमारा जैसे बिगनर है उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग करना बताया था, आज के वीडियो में हम सिलाई करेंगे इसकी। जैसे ये हमारा पल्ला है और ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ये अस्तर की नीचे की साइड है इसको फोल्ड करना है। तो इसको हम जैसे यहाँ से इतना फोल्ड करेंगे और फिर से एक और फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड का जो बैक का पीस है उसको भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगा दी है, ये नीचे की सिलाई हम पहले ही लगा लेंगे। दूसरे पीस को भी लगा दी है मैंने। अब ये पीस है इसके साथ हमें इसे जोड़ना है। तो ये हमारा पीस है, इसे हमें इस तरह से रखना है, सीधी साइड हमारी ऐसे आएगी। और ये हमारा लाइनिंग का पीस है, इसको हमें इसके बराबर यहाँ पर रख लेना है सेट करके एकदम से, एक भी सलवट हमारा अंदर में नहीं रहना चाहिए। तो दोनों पीस इस तरह से रख लिए हैं बराबर करके। अब हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई जैसे हम एक्सपर्ट हैं सिलाई में, तो किनारे से एक किनारे से पकड़ेंगे, चारों ओर हमें सिलाई लगा देनी है। अगर हम जैसे बिगनर हैं तो जैसे ये सेंटर है, पहले हमें सेंटर में जैसे कच्ची सिलाई लगा लेनी है बड़ा टांका करके। तो यहाँ पर मैं बड़ा टांका करके पहले सिलाई लगाऊंगी। अगर हमें जैसे सिलाई नहीं लगानी तो हम यहाँ पर ये पिन से इनके साथ भी कपड़े को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पिंस लगा के एकदम कपड़े को सेट कर लेना है, जगह जगह पे पिंस लगा लेंगे। अब देखिए ये सारे पिंस मैंने इस तरह से लगा दी हैं। अब हमें जैसे एक साइड से कहीं से भी हमें पकड़ लेना है, जैसे यहाँ से ही सिलाई शुरू कर देंगे, यहाँ से पूरे यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, नीचे में नहीं हमें लगानी। तो सिलाई हम कैसे लगाएंगे, आधा इंच छोड़ना है यहाँ पर तब लगाएंगे, ज़्यादा चौड़ी हमें सिलाई नहीं लेनी। पर सिलाई लगा के इस कपड़े को अटैच कर लेंगे। दूसरा पीस भी हमें इसी तरह रेडी कर लेना है। तो अब देखिए चारों ओर मैंने सिलाई लगा दी है, तो ये पीस हमारा इस तरह से जुड़ गया है। तो इस तरह से हम जैसे इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा बीच में झोल नहीं आएगा। दूसरा पीस भी मैंने रेडी कर लिया है इस तरह सिल के। तो ये दोनों पीस रेडी हो गए हैं। इसके बाद जैसे हम सिंपल कुर्ती सिलते हैं उसी तरह सिलेंगे इसे। तो इसका पहले हम नेक बनाएंगे। तो जैसे ये है, इसके ऊपर मैं नेक बना के लगाऊंगी। यहाँ पर नेक मैंने अटैच कर दिया है। तो नेक कैसे बनाते हैं इसका मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है अलग से एकदम डिटेल में, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये नेक लगा के मैं यहाँ पर सेट कर लिया है। अब इसको इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ से हमें एकदम किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हम कैसे लगाएंगे, जैसे ये हमारी जो पेपर लगा हुआ है पेपर बकरम, इसके साथ साथ लगानी है, ना इसके ऊपर लगानी, ऊपर नहीं लगानी, इसके जैसे कटिंग हुई है उसी के बराबर लगानी है। जिस शेप में कटा है उसी शेप में हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर लगा दी मैंने सिलाई। अब ये अंदर की आधा इंच छोड़ के हमने ये लाइन लगाई है, इससे यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है इसकी। ये कटिंग हो गई है। अब जैसे ये हमारा राउंड में है तो यहाँ से हमें इस तरह से कट्स लगाने हैं, सिलाई नहीं हमारी कटनी चाहिए। और ये हमारा ये कॉर्नर है, यहाँ भी ध्यान से हमें यहाँ से इस तरह कट लगाना है, एकदम सिलाई के पास से लगाना है। और ये भी कटिंग इस तरह कर लेनी है। तो ये हमारा अटैच हो गया है नेक। अब इसे हमें इस तरह से पलट लेना है, यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रेस कर दी है, नेक हमारा बन के रेडी हो गया है। यहाँ पर चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं, अगर नहीं लगानी तो इसी तरह भी हम रख सकते हैं। और बाद में हमें यहाँ से तुरपाई कर लेनी है हाथ से। इसी तरह हमें बैक का नेक लगा लेना है। तो ये बैक का पीस है, इसे इसको मैं पूरा आपको लगाना बताऊंगी किस तरह से लगाना है। जैसे ये पीस है इसको हमें इस तरह फोल्ड करना है, यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा। इसकी हमें यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर लेनी है।
और ये गला मैंने रेडी किया है, गोल गला है, इसका भी सेंटर है और ये दोनों सेंटर ऐसे मिला के रखेंगे इस तरह रखा। और यहाँ पर पिन लगा लेनी है जिससे जब हम सिलेंगे तो गला हमारा हिलेगा नहीं, कपड़ा थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। तो इस तरह पिन लगा लेंगे। तो पिन नहीं है तो जैसे ये लाइन लगाइए यहाँ पर, बड़ा टांका करके सिलाई लगा लें और बाद में खोल सकते हैं। तो ये सेट हो गया नेक। अब हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम जैसे ये पेपर लगाया है इसके एकदम किनारे से सिलाई लगानी है, पेपर के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, एकदम इसके साथ साथ में जैसे कटिंग हुई है सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा दी सिलाई। अब यहाँ से हमें आधा इंच तक ऐसे रखना है और जिस तरह हमारी ये शेप है राउंड में उसी तरह हमें ये ऐसे लगा देना है निशान। तो अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह निशान लगा लें, अगर आप जैसे एक्सपर्ट हैं सिलाई में तो डायरेक्ट भी हम इस तरह कट कर सकते हैं। तो ये हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जैसे ये हमारा यहाँ से राउंड में है इस तरह से हमें कट्स लगा लेने हैं, सिलाई नहीं हमारी कटनी चाहिए, इस तरह लगा लेंगे। तो हम जब सीधा नेक करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो चुन्नट वगैरह आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। अब इसको हमें इस तरह से ऐसे कर लेना है, जैसे ये सिलाई है इसको हमें इस तरह ऐसे करना है और यहाँ से हमें एक सिलाई लगा देनी है इस तरह करके। यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा दी है तो ये अंदर की सिलाई हमारी इस तरह से बैठ गई है। तो इससे क्या होता है जैसे हम सीधा करेंगे अभी नेक को तो एकदम हमारा अच्छे से हो जाएगा, यहाँ पर प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए आसानी से हमारा एकदम अच्छे से बैठ गया है। तो ये बैक का नेक रेडी हो गया है, फ्रंट का भी हमारा रेडी है। अब दोनों को ज्वाइन करना है। तो ये बैक का पीस मैंने ऐसे रखा है और फ्रंट का पीस हमें ये देखिए ये सीधा है, ये यहाँ से सीधा है, इस तरह ऐसे रखना है दोनों को। दोनों को इस तरह से रखा। अब हम क्या करते हैं इसी तरह हम सिल देते हैं इनको, तो हमारा क्या ये पूरा सिलाई दिखता है यहाँ से तो अच्छा नहीं लगता। तो इससे हम फिनिशिंग में कैसे करें, जैसे इस तरह से ये हमारा फ्रंट नेक है और ये बैक नेक का है जो हमारा ये कपड़ा लगाया है, इसको हमें इसके साथ ऐसे रखना है, इस तरह रखना है। उसके बाद इस जो मैंने ये बाहर को रखा है इसको हमें ऐसे इसके ऊपर लेना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। ये भी हम इसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब देखिए इसे मैं सीधा करूँगी इस तरह से, तो ये देखिए हमारी यहाँ पर सिलाई नहीं आएगी इस तरह से। ये हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गया है। इसी तरह ये दूसरी साइड है। तो आप कभी भी इस तरह से सिलाई लगाएं तो सिलाई हमारी अंदर रहेगी, नहीं तो हम जैसे पहनते हैं तो ये सिलाई हमारी दिखती है, तो ऐसे हमारा इतना इतना ये अंदर हो जाता है। तो नेक हमारा बन गया है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें इस तरह खोलना है इसे, ऐसे स्लीव्स को हमें अटैच करना है। तो यहाँ से ये हमारा जैसे यहाँ मैंने सेंटर लिया है तो यहाँ से हमें इस तरह से मिला के देख लेना है जितना हमारा आता है इस साइड में भी, तो उस हिसाब से हमें सेट कर लेना है स्लीव्स को। अगर हम जैसे एक साइड से लगाते हैं तो हमारा इधर का जैसे कम हो जाता है, तो अगर हम जैसे ये सेंटर पकड़ के यहाँ से ज्वाइंट करेंगे तो हमारा बराबर आएगा। तो इस तरह हमें सिलाई लगा देनी है। पहले हम यहाँ से सेंटर की सिलाई यहाँ तक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ तक लगाएंगे। तो जैसे हमारी यहाँ स्लीव्स की जो फिटिंग है यहाँ से सिलाई लगाते हुए हमें ये सिलाई यहाँ तक लगा देनी है, उसके बाद हमें यहाँ से ही वापस करके यहाँ तक फिर लगा लेनी है, डबल सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड में भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स ये सिलाई मैंने साइड की लगा दी है। अब ये हमारी कुर्ती इस तरह से बन गई है। इसके बाद इस ये हमारे चाक हैं, इस तरह से हमें कुर्ती को रख लेना है। उसके बाद ये लाइन है हमारी यहाँ से इस तरह से, ये मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी एकदम बराबर करके, इसको हमें यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। और प्रेस करने के बाद यहाँ से कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ भी प्रेस कर देनी है। कपड़े को इस तरह फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाते हुए यहाँ तक ये सिलाई लगानी है, इसके बाद यहाँ से टर्न करते हुए दूसरी साइड को आ जाना है और यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। इसी तरह इस साइड में लगाएंगे। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ये सिलाइयाँ सारी मैंने लगा दी हैं साइडों की। तो अब हमारा सूट बन के रेडी हो गया है। इस तरह से हमारे सूट का पूरा लुक आ रहा है। फ्रेंड्स एकदम बारीकी से मैं अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना आपको बताई है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में।